हेलो फ्रेंड्स, मैं गजानन आपके अपने यूट्यूब चैनल गजराज टेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग एचपी गैस स्टोव अनबॉक्सिंग प्लस इंस्टॉलेशन। यह है पद्मश्री एलपीजी गैस स्टोव, एचपी गैस का गैस स्टोव है ये। चलिए इसको खोलते हैं। अभी बहुत ही बढ़िया तरीके का पैकिंग है दोस्तों इसका, देख सकते हैं आप। आजकल गैस जो है हर घर की एक ज़रूरत बन चुका है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारे जो लेडीज़ वगैरह होती थी पहले ज़माने में, लकड़ी का चूल्हा वगैरह जलाती थी, उसमें काफ़ी सारी बीमारियां वगैरह होती है उसमें देखा जाए तो, क्योंकि वो जो उसका धुआँ होता है पूरा आँखों में, नाक में, पूरा शरीर में चला जाता है, उससे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। और ये बिल्कुल बढ़िया काम है, आप रात में जलाओ, दिन में जलाओ, जब भी जलाओ कोई दिक्कत नहीं है। फट से एक लाइटर मार दो, चूल्हा ऑन हो जाएगा और खाना पीना जब भी जब मर्जी बना सकते हैं। ये देख सकते हैं पैकिंग वगैरह बहुत बढ़िया है इसका। हम देखेंगे इसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज दे रखा है अभी। चलिए अभी इसको ओपन करेंगे हम। ISI का इसमें एक मार्क लगा है, आप देख सकते हैं। 3 ईयर वारंटी इसका, 3 साल का इसका वारंटी है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, ISI का है। ISI वैसे एक ब्रांडेड कंपनी माना गया है, ये आप जानते होंगे। चलिए अभी इसको ओपन करेंगे हम और इसके एक्सेसरीज वगैरह चेक करेंगे क्या क्या इसके साथ दे रखा है। ये देखिए, यह है HP गैस का स्टोव, इसके साथ एक्सेसरीज वगैरह क्या दे रखी है हम ये भी अभी चेक करेंगे। बॉक्स के अंदर क्या क्या दे रखा है, ये बॉक्स के अंदर दोस्तों इसके दो बटन्स वगैरह है, ये दो बटन्स है इसके, और 4 इसके लेग दे रखे हैं। स्क्रू वगैरह इसमें अपने आप साथ ही दे रखा है इसका, इसको आप टाइट कर सकते हैं। ये देखिए, ये है बटन्स इसके, दो बटन्स इसके साथ में आते हैं, और ये कंपनी के एकदम ओरिजिनल है बटन्स वगैरह, इसके 4 लेग है। चलिए अभी इसको हम बाहर निकालेंगे। अभी ये हो गया है, बाहर कर दिया है हमने इसको। और इसके साथ ये उसके दो ये आ रखे हैं दोस्तों, ऊपर के जो कवर है बर्नर के साइज़ में जो आते हैं, जिसके ऊपर हम बर्तन वगैरह रख सकते हैं, इसके ऊपर बर्तन हम रख सकते हैं। चलिए अभी इसको खोलते हैं। कवर में पूरा देख सकते हैं आप कितना बढ़िया पैकिंग वगैरह इसका दे रखा है। बर्नर वगैरह भी गिरे ना, इसलिए बांध के रखा है उसको भी रस्सी से, ये देख सकते हैं। ये इसका मैनुअल है दोस्तों, ये है इसका मैनुअल प्लस वारंटी कार्ड, ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वारंटी कार्ड। ये मैनुअल कम वारंटी कार्ड। चलिए इसको करते हैं साइड में अभी। अभी हम इसको देखते हैं, इसको अभी हम जो रस्सी है इसका रस्सी खोलेंगे, जो कि बर्नर वगैरह जिससे बांध रखे हैं। ये देखिए, इसके ऊपर भी ISI का होलोमार्क लगा है दोस्तों, पूरा इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर दे रखा है। ये इसके बटन अभी हम लगा के देखते हैं कौन सा बटन कहाँ लगेगा, क्या है, कैसा है। देखिए, इंस्टॉलेशन करना भी एक वैसे नॉर्मल बात है, लेकिन आप अगर आपको दिक्कत आए तो आप ये देख सकते हैं कैसे इंस्टॉलेशन करना है, क्या है। फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे होंगे तो थोड़ा दिक्कत आएगा, बाकी अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वालिटी वगैरह वैसे तो बहुत बढ़िया है इसका, ये 1900 रुपये का मिला है वैसे, और क्वालिटी बहुत बेटर है इसका। ISI का चीज़ है तो क्वालिटी तो बेटर होगा ही। बटन हमारा ढंग से लगा नहीं है, इसको हम चेंज करके लगाएंगे। 1-2 इसको चेंज करेंगे हम।
ये लग गया है, अभी हो गया बटन, दोनों बटन टाइट हो गए हैं। अभी इसका रस्सी हम फ्री करेंगे, यहाँ से रस्सी को खोल लेंगे यहाँ से। पैकिंग वगैरह इसका बहुत ही बढ़िया दे रखा होता है, बिल्कुल कोई इसका डैमेज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, देख सकते हैं। टाइम टेबल क्या होगा पैकिंग इसका बोला बढ़िया लग रहा है। हमने खोल दिया इसको, टाइम टेबल क्या होगा देख के कवर से ऊपर के चालू ना दो दो कवर पहला छोटा पहला जस्ट मोड जाता है छोटा पैक बड़ा पैक बर्नर के पक्ष आता है वो डबल चालू चला एक बर्नर छोटा होता है एक बड़ा होता है 5-7 मिनट चलता शादी तो ना ओके लगा दे जॉइन निकाल लेना कम कह रहे तो संभाल दे ना वेटिंग कर रहे हैं ऑलरेडी इधर करना बर्नर तो चालू है ना ये देखिए बढ़िया से सेट हो रखा है दोनों बर्नर छोटा बर्नर ये ठीक आते रात के ना यार फोन लगे दर सका तो दम नहीं कभी था यार कहाँ है कहाँ कभी कौन लगा फोन लगा छोड़ रहे जो इसका कवर है ऊपर का जो इसमें हम बर्तन रखते हैं ऊपर का जिसको अभी हम सेट करेंगे इसमें लगा के ये भी एक छोटा बड़ा होता है आप उसको देख लेना है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है ये देखिए हो गया दोनों सेट हो चुका है। अभी हम इनके जो लेग है दोस्तों इनको फिट करेंगे अभी सेट करने के लिए वो बर्नर वगैरह सब निकालना पड़ेगा हमको तभी हम सेट कर पाएंगे नहीं तो गिर जाएगा और हटा लेंगे बर्नर को वगैरह हटा लेंगे फिर उसके बाद हम उसके लेग जो है उसको सेट करेंगे बैक साइड की इसका काफ़ी बढ़िया है बैक साइड भी यहाँ से हम इसको सेट कर सकते हैं देख सकते हैं आप अंदर के साइड में इसको स्क्रू वगैरह दे रखा है वहाँ से टाइट करके हमने इसको बिठा दिया है चारों लेग हमने बिठा दिए है ये हो गया हमारा इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है दोस्तों। अभी हम इसका रेगुलेटर वगैरह जो है उसको सेट करेंगे ये रेगुलेटर और एक पाइप दे रखा है लगभग 1 मीटर का इसका पाइप आता है ये दोस्तों इसको आपने चेक करना है जब भी आप लोगे तो ISI का होना चाहिए ISI का जो क्वालिटी होता है जो इसका ब्रांडिंग होता है बहुत ही बढ़िया है ओरिजिनल कंपनी का है और इसको भी आप चेक कर ले जब भी देखोगे कि कहीं टूटा फूटा तो नहीं है रेगुलेटर इसका बटन सही से काम कर रहा है करके ये देख सकते हैं यहाँ ISI का ओलो मार्क लगा है देते समय पूरा चेक कर लेना है आपने इसका ये पाइप आता है लगभग 1 मीटर का है इसको भी आपने चेक कर लेना है कि सही इसको कोई डैमेज तो नहीं है कोई पाइप ख़राब तो नहीं है क्योंकि ख़राब होने से कहीं गैस लीक हो सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको देखने को मिले। धन्यवाद।